हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस पूरे महीने शिव भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सावन महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि अपना विशेष महत्व रखती है। मालूम हो कि प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि भी पड़ती है, लेकिन सावन महीने में आने वाली शिवरात्रि का खास महत्व होता है। सावन की शिवरात्रि को फागुन महीने में आने वाली महाशिवरात्रि के समान ही फलदायी माना जाता है। इस बार सावन मास की शुरुआत 6 जुलाई से हो रही है और इसका समापन 3 अगस्त को होगा। बता दें कि इस बार सावन की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही सोमवार की होगी। सावन महीने में भोले भंडारी का पसंदीदा महीना है, जबकि सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित किया गया है। इस दिन शिव जी की पूजा का खास महत्व बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार जो भी भक्त इस महीने में सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी मुरादें जरूर पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव की कृपा से विवाह संबंधित सभी अड़चनें भी दूर हो जाती है। साल 2020 के सावन महीने में कुल 5 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार जहां शुरुआत के दिन यानी 6 जुलाई को ही पड़ रहा है, वहीं दूसरा सोमवार 13 जुलाई को पड़ेगा। इसके बाद 20 जुलाई, 27 जुलाई और 3 अगस्त के दिन भी सावन का सोमवार पड़ रहा है। इस महीने में मौनी पंचमी, मंगला गौरी व्रत, एकादशी, प्रदोष व्रत हरियाली और सोमवती अमावस्या, हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार पड़ेंगे। साथ ही इस बार सावन में 11 सर्वार्थ सिद्धि, 10 सिद्धि योग, 12 अमृत योग और 3 अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं। कहते हैं कि समुद्र मंथन से निकले विष का शिव जी ने पान कर लिया था, इससे उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था, जिससे शिव को काफ़ी परेशानी होने लगी थी। भगवान शिव को इस परेशानी से निकालने के लिए इंद्रदेव ने जमकर बारिश करवाई थी। कहते हैं कि यह घटनाक्रम सावन के महीने में हुआ था। इस प्रकार शिव जी ने विष का पान करके सृष्टि की रक्षा भी की थी। तभी से यह मान्यता है कि सावन का महीना शिव जी अपने भक्तों का कष्ट अति शीघ्र दूर करते हैं। शिव जी की पूजा में सफ़ेद रंग के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी को सफ़ेद रंग के फूल बेहद प्रिय हैं, लेकिन उनकी पूजा में केतकी के फूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि केतकी के फूल चढ़ाने से भगवान शिव जी नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा तुलसी को कभी भी भगवान शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता है। वहीं भगवान शिव जी की पूजा में नारियल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी नारियल के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाने वाली सारी वस्तुएं निर्मल होती है। भगवान शिव जी को हमेशा कंस और पीतल के बर्तन से जल चढ़ाना चाहिए। तो और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से। सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।